बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सारे स्टूडेंट्स जो एमडी कैट की प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए कि यूएचएस ने इस साल अभी तक कोई पेपर पैटर्न और सिलेबस न्यू इश्यू नहीं किया, सो हम बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए 2019 में जो यूएचएस ने सिलेबस इशू किया उसी को फॉलो कर रहे होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस एज वेल एज अदर कंडीशंस, टोटल 200 एमसीक्यूज थे जो कि आप लोगों ने 150 मिनट्स में अटेम्प्ट करने, और उन 150 मिनट्स का मतलब है कि 9,000 सेकेंड्स। मीन आपके पास हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 45 सेकेंड्स मौजूद होते हैं। और एक अच्छी चीज जो कि यूएचएस ने ऐड की लास्ट टाइम, वो ये थी कि नेगेटिव मार्किंग उसको खत्म कर दिया गया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेसिटेशन कि कोई नेगेटिव मार्किंग या कोई इस तरह का इश्यू होगा। एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड के बायोलॉजी के टोटल 80 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री 60, फिजिक्स 40 और इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज। इन लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि जो बायोलॉजी का पोर्शन है आपका, वो आप आसानी से प्रिपेयर कर सको, और बायोलॉजी की प्रिपरेशन के साथ एटलीस्ट आपको कोई इश्यू ना हो। 2019 का जो यूएचएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एफएससी के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उन्होंने 17 पार्ट्स में, यूनिट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। और याद रखिएगा कि एफएससी का सारा सिलेबस आपने नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि 50-60% सिलेबस है आपका सारी बुक का। यूएचएस ने अपने सिलेबस में नोटिफाई तो किया होता है कि वो इससे बाहर भी क्वेश्चन दे सकते हैं, बट लास्ट ईयर के पेपर्स या उससे पहले पास जो पास पेपर्स हैं उनको देखते हुए इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 99% चांसेस यही होते हैं कि जो यूएचएस ने सिलेबस दिया हुआ है उसी में से आपका पेपर आएगा। हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं विदाउट एनी डिले। इट्स अबाउट सेल, द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के लिए आपने एफएससी की बुक से जो प्रिपरेशन करनी है वो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, उसी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। और इस लेक्चर में हम यूएचएस के जो टॉपिक्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस एमसीक्यूज जो यूएचएस के पास पेपर्स में आ चुके हैं उनसे रिलेटेड उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वेल, दिस लेक्चर इज गोइंग टू कवर टू मेन टॉपिक्स। एक टॉपिक जो लास्ट ईयर इंक्लूड किया गया, दैट वाज लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्पेसिफिकली उसमें से मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर के कॉन्सेप्ट्स को आपने देखना है। एंड सेकेंड टॉपिक विच वी आर गोइंग टू एलेबोरेट इन दिस लेक्चर इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, इसकी डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, जो भी एफएससी के लेवल तक डिस्कस किए गए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर कंपेयरिंग ह्यूमन आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो चैप्टर नंबर 4 में सेकंड पेज पे आपके पास येलो बॉक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जिनको आपने यूज करना है। टू मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, रेजोल्यूशन पावर एंड मैग्निफिकेशन पावर। रेजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी to distinguish, to differentiate clearly between two adjacent points. Resolving power, resolution power, कोई भी दो पॉइंट जो करीब करीब मौजूद हो उनको क्लियरली डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी को हम नाम देते हैं रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन पावर। और रेजोल्यूशन पावर को लेंसेस यूज करते हुए, लेंसेस यूज करके इंक्रीज किया जा सकता है, या समटाइम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हुए इसको इंक्रीज किया जा सकता है,
इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एज फार एज मैग्निफिकेशन पावर इज कंसर्न, मैग्निफिकेशन पावर इज द एबिलिटी टू एनलार्ज द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व किया जा रहा होता है नॉर्मल ह्यूमन आई से, और उसका जो साइज ह्यूमन आई से, इंसानी आंख से जो उसका साइज नजर आएगा, दैट विल बी द ओरिजिनल साइज. उस ओरिजिनल साइज को अगर हम किसी लेंस या माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं, तो उसका इंक्रीज साइज, एनलार्ज साइज जो नजर आता है वो मैग्निफाइड साइज कहलाता है. और किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को फाइंड आउट करने के लिए अकुलर लेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज आई पीस, और इसकी पावर्स भी डिफरेंट होती है, 10x का होता है, 40, 50x के मिल जाते हैं. और आप लोगों ने माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करते हुए देखा होगा कि यहां पे इसको इंसर्ट भी किया जा सकता है और रिमूव भी. और सेकंड पार जो हमने मल्टीप्लाई करनी होती है अकुलर लेंस के साथ, वो है ऑब्जेक्टिव की पार. ऑब्जेक्टिव की भी डिफरेंट पार होती है, 40x, 50x या 100x के भी ऑब्जेक्टिव मौजूद होते हैं. अगर हम ऑक्युलर लेंस और ऑब्जेक्टिव्स की पावर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर आ सकती है. फॉर एग्जांपल, हम यहां पे कहते हैं कि इधर अगर हमने 10x का ऑक्युलर लेंस यूज किया है और इधर 20x का ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं आप, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 200 टाइम्स स्लाइड पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट या इस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाने वाला ऑब्जेक्ट आपको 200 टाइम्स ग्रेटर नजर आएगा. इससे रिलेटेड पेपर जो था 2019 का, उसमें क्वेश्चन था, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर को आप कैलकुलेट करके किसी भी ऑब्जेक्ट का अपेरेंट साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा माइक्रोस्कोपी को यूज किया जाता है फॉर द फाइंडिंग द डिटेल्स ऑफ सेल्स. सेल्स के जो अल्ट्रास्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स के अंदर जो फर्दर डिटेल्स हैं, माइक्रोस्कोपी को यूज करते हैं उनको फाइंड आउट किया गया है. तो सेल बायोलॉजी के हवाले से माइक्रोस्कोप का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक सिंपल सा कंपेरिजन है जिसको आपने जरूर याद रखना है विद रेफरेंस टू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि ह्यूमन आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन है, जाहिर है कोई ऑब्जेक्ट हमें उसी वक्त नजर आएगा जब वो ब्राइट होगा, जब उस पर कोई ब्राइट सोर्स या इल्यूमिनेशन सोर्स के तहत लाइट पड़ेगी या इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेगी. तो ह्यूमन आई और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या यूज कर रहे होते हैं? लाइट, जो आर्टिफिशियल लाइट हो सकती है, सनलाइट. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्ड आना चाहिए जो है लास्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है. और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर इस टेबल में गिवन है. ह्यूमन आई के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स टाइम कंसीडर होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 1000x तक मैग्निफिकेशन पावर हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10 मिलियन तक हो सकती है. 10 मिलियन टाइम्स तक वो किसी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके शो कर सकती है, किसी डॉट को, किसी स्मॉलर ऑब्जेक्ट को. जबकि रिजॉल्विंग पावर को, रेजोल्यूशन पावर को जब हम देखते हैं, तो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर एक्सटेंडेड डिस्टेंस से हम 1 मिलीमीटर के जो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं उनमें क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर होगी बेटा 2 to 4 माइक्रोमीटर, वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हैविंग अ रेजोल्यूशन पावर ऑफ 2 to 4 एंगस्ट्रम. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं कि आपने कंपैरिजन एक याद रखना है इनका. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर को हमारी बुक में लिखा गया इट इज 500 टाइम्स ग्रेटर देन ह्यूमन आई. और कंपाउंड माइक्रो, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ये 250,000 टाइम्स ग्रेटर है इसकी रेजोल्यूशन पावर as compared to the resolution power of the human eye. ये कुछ differences हैं light microscope के और electron microscope के. खैर ये आपके syllabus में तो नहीं है, लेकिन just electron microscope का image या उसकी जो resolution power है वो greater है. image देख सकते हैं आप यहाँ पे कि electron microscope सामने बनी हुई है.
बाकी उनके डिफरेंसेस कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी डिटेल से ज्यादा जरूरी जो पहले आपने पढ़े, ये रेजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर की डेफिनेशन, प्लस ये कंपैरिजन का टेबल, और फर्दर मोर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाता है दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज अ फंक्शन ऑफ, तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर आइदर वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, लेंस सिस्टम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड एंड लेंस सिस्टम, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है इसमें से? याद रखिएगा आपने यूएचएस के क्वेश्चंस में इस चीज का ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा आंसर्स ठीक हो सकते हैं, बट यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन। और इसके साथ साथ आपने गिवन ऑप्शंस में से ही आंसर चूज करना है, चाहे वो लेस एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। यहाँ पे हमारे पास मोर एक्यूरेट आंसर बनता है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एज वेल एज लेंस सिस्टम। आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है, ये क्लाइन है दैट रेजोल्यूशन पावर कैन बी इंक्रीज बाय द एड ऑफ बाय द हेल्प ऑफ लेंसेस, और दूसरा आपने ये ऑब्जर्व किया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जब हम यूज कर रहे होते हैं तो लेसर वेवलेंथ होती हैं, दे प्रोड्यूस ग्रेटर रेजोल्यूशन पावर। इसलिए याद रखिएगा जो विब गॉयर आप लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ पढ़ते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसमें लोएस्ट वेवलेंथ विजिबल लाइट की आपके पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू रीजन में आती है। इट मींस वो जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू रीजन है वहां पे रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होगी। अगर हम ब्लू लाइट, ब्लू लेंसेज या ब्लू जो है वो लाइट को यूज करते हैं, और रेड लाइट की तरफ जब हम जाएंगे जहां पे वेवलेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी, तो वेवलेंथ और रिजॉल्विंग पावर का रिलेशनशिप इनवर्स होगा। इसलिए वेवलेंथ ऑफ लाइट भी मैटर करती है और लेंथ सिस्टम भी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। द ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन इन लाइट माइक्रोस्कोपी कैन बी ऑब्टेन्ड विद, अब रेजोल्यूशन ज्यादा कैसे मिल सकती है? अभी हमने डिस्कस भी किया कि लॉन्गर वेवलेंथ के साथ या शॉर्टर वेवलेंथ के साथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट यूज एन ऑब्जेक्टिव विद मिनिमम अपर्चर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट यूज एज वेल एज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट यूज एंड एन ऑब्जेक्टिव विद मैक्सिमम ओपनिंग और मैक्सिमम अपर्चर। सो व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन? ऑब्वियसली लॉन्गर वेवलेंथ दे आर हैविंग लेसर एनर्जी, तो वो ज्यादा रेजोल्यूशन पावर प्रोड्यूस नहीं करेंगी, सो अल्फा ऑप्शन सही आंसर नहीं है। मिनिमम अपर्चर के साथ एरिया ऑफ व्यू और भी कम हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड ये सही आंसर हो सकता है कि शॉर्टर इज द वेवलेंथ, मोर इज द पेनिट्रेशन पावर, मोर इज द एबिलिटी टू रिजॉल्व द गिवन ऑब्जेक्ट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के साथ साथ बेटे आपने ये भी याद रखना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के साथ साथ मैक्सिमम अपर्चर वो भी मैटर कर रहा होता है। तो इन गिवन ऑप्शन में से डेल्टा सही है। अगर डेल्टा ऑप्शन ना होती तो आप पहली तीन ऑप्शन में से चार्ली की तरफ भी जा सकते थे। अभी डेल्टा ऑप्शन सही है इन गिवन ऑप्शन में से। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए जरा। टोटल मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपकी अभी टेक्स्ट में लिखा हुआ था और मैंने स्लाइड में भी डिस्कस किया प्रीवियस में, कि आपने दो तरह की पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, अकुलर लेंस की पावर और ऑब्जेक्टिव की पावर्स। इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या चीज आ जाएगी? मैग्निफिकेशन पावर। सो मैग्निफिकेशन पावर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एज वेल एज आईपीस। सो आउट ऑफ दिस ऑप्शन बेस्ट आंसर शुड बी डेल्टा। वेल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हाउ मेनी टाइम्स हायर देन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट हैज बीन रिटन दैट इट इज 500x टाइम ग्रेटर एंड एज कंपेयर टू ह्यूमन आई, ये आपको भी बताया प्रीवियस स्लाइड में कि इट इज 250,000 टाइम्स ग्रेटर। तो अगर ह्यूमन आई का पूछा जाता तो डेल्टा ऑप्शन, अदरवाइज बीटा आप चूज कर सकते हैं।
यूएचएस 2018 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था दैट एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स इज नाउन एज मैग्निफिकेशन. ऑब्वियसली नॉट. मैग्निफिकेशन इज एबिलिटी टू एनलार्ज द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शनेशन आप लोग जानते हैं कि स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए सेल के कंपोनेंट्स को ब्रेक करना फॉर ऑब्जर्वेशन एंड माइक्रोस्कोप, उसे फ्रैक्शनेशन कहते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, इट्स अ टेक्निक टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी बाय रिवॉल्विंग एट हाई स्पीड. सो राइट आंसर जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी इज द रेजोल्यूशन पावर. सो रेजोल्यूशन पावर इज द राइट ऑप्शन अवेलेबल. इन क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन शेयर्ड ओवर हियर इज द क्वेश्चन फ्रॉम यूएचएस पेपर 2019. इसमें ही कहा गया था कि आपके पास एक गिवन ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 15 माइक्रोमीटर है और आप जो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं इसमें आईपीसेस की पावर 5x है जबकि ऑब्जेक्टिव्स की पावर 10x है. अब एक सिंपल सा मेथड कि 10x और 5x को मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर आना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं वो 50x ग्रेटर नजर आएगा, 50 टाइम्स एनलार्ज नजर आएगा. अब 50 को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना था 15 से क्योंकि आपके पास जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है उसका साइज दिया हुआ है 15 माइक्रोमीटर. तो ये कितना एनलार्ज नजर आएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 15. इग्नोर द जीरो, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 75 और ये जीरो साथ मौजूद है जी. आपके पास राइट ऑप्शन बनती है बेटे अल्फा. 750 माइक्रोमीटर वॉज द राइट ऑप्शन और अल्फा आंसर इसमें बनता था. तो माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड जो बेसिक दो टर्मिनोलॉजीज दी हुई है इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस यूएचएस ने बनाए हैं 2018 और 19 में. इससे पहले ये टॉपिक बेसिकली यूएचएस के कंटेंट्स में इंक्लूडेड नहीं था, दैट्स व्हाई आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में नहीं मिलेंगे. वेल नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू शेयर ओवर हियर इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल. एक बेसिक टॉपिक है एनिमल प्लांट सेल के डिफरेंसेस. आप लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो अभी भी अच्छे से याद होंगे. तो आपके लिए एक स्केच सा बना दिया मैंने यहाँ पे जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में कौन से फीचर्स नहीं है. और इसी तरह दूसरी स्लाइड में एनिमल सेल्स के अंदर जो फीचर्स एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है इनको आपने देख लेना. और इन्हीं फीचर्स को देखते हुए आपने MCQs अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो पास पेपर्स में बने हुए हैं वो इसी बेस पे हैं कि इन कंपोनेंट्स की प्रेजेंस या एब्सेंस एनिमल और प्लांट सेल्स में किस तरह से है. ये जो आपको कुछ फीचर्स लेफ्ट साइड पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं दैट सेल वॉल, प्लास्टिड्स, प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, पेरिफेरल न्यूक्लियस, अ डेफिनेट शेप, ग्लायोक्सिसोम्स एंड सिंथेसिस ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स. ये सारे के सारे फीचर्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट. आई एम रिपीटिंग, सेल वॉल, प्लास्टिड्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, पेरिफेरल न्यूक्लियस, डेफिनेट शेप, ग्लायोक्सिसोम्स एंड सिंथेसिस ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स, दे आर द फीचर्स ऑफ प्लांट सेल्स ओनली. कुछ एनिमल सेल्स में पेरिफेरल न्यूक्लियस मिल सकता है बट यूजली हम कॉमन या जनरल इंफॉर्मेशन को बेटा प्रेफर करेंगे और जनरल इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपने प्लांट सेल्स में इसको प्रेजेंट करना है और एनिमल सेल्स में इसको एब्सेंट करना है. अब एनिमल सेल में भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, लाइक स्केलेटल मसल सेल्स में हमारे पास पेरिफेरल न्यूक्लियस मिल जाता है. एडिपोसाइट्स, फैट स्टोरिंग टिश्यू, उसमें आपकी बुक में मेंशन है कि न्यूक्लियस पेरिफेरल साइट पे पुश हो जाता है जब उसमें फैट ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होते जाते हैं. तो ये कंडीशंस इनको हम जनरलाइज वे में डिस्कस कर रहे होते हैं. यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि ये फीचर्स एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे आपको और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे. इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए जरा, जस्ट लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमारे पास सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, फ्लैजेला, सीलिया, फेगोसाइटोसिस, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोकाइनेसिस की बेस पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनिमल और प्लांट सेल को.
अब सेंट्रियोल्स आप लोग जानते हैं एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल्स में अगर आप बात करें, हम यहाँ पे जनरली इसको एब्सेंट करेंगे। अगर आपके पास गिवन ऑप्शन में जनरली पूछा गया तो आप प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स को एब्सेंट करेंगे। बट कीप इन योर माइंड इट्स दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड दैट सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन लोअर प्लांट्स सच एज बायोफाइट्स, बट दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स सच एज ट्रेकियोफाइट्स। वेस्कुलर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स मिल जाएंगे। इसी तरह लाइसोसोम्स को हम एनिमल सेल में प्रेजेंट कर रहे हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट कर रहे हैं। बट रिसेंट रिसर्चेस ये बताती हैं कुछ प्लांट सेल्स में भी लाइसोसोम मिल जाते हैं, बट जनरली एंड अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। अब इस चीज को रिलेट कीजिए, अगर लाइसोसोम्स प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट हैं, इट मीन्स प्लांट सेल फेगोसाइटोसिस भी परफॉर्म नहीं करते। और वैसे भी वो सेल्स जिनके अंदर सेल वॉल है उनके लिए फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू रिजिडिटी और रिजिड आउटर शेप। तो वो आउटर साइड से आने वाले कंपोनेंट्स को इस तरह से फेगोसाइटोज नहीं कर रहे होते, तो फेगोसाइटोसिस भी इसी बेस पे आपने एब्सेंट कर दिया प्लांट सेल के अंदर इस प्रोसेस को। ऑन द अदर हैंड फ्लैजेला, फ्लैजेला मे बी फाउंड इन प्लांट सेल्स बट यूजली दे आर एब्सेंट। जैसे ब्रायोफाइट्स के गेमीट्स में मेल गेमीट्स आप पढ़ते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोटाइल। बट जनरलाइज करते हुए आप कहेंगे प्लांट सेल्स में यूजुअली फ्लैजेला नहीं होते एंड दे आर नॉन मोटाइल, बट एनिमल सेल्स दे मे पोजेस फ्लैजेला। एनिमल किंगडम में फ्लैजेला मोर कॉमन है, दैट्स व्हाई यहां पे आप इसको एनिमल सेल में प्रेजेंट और प्लांट सेल में यूजुअली एब्सेंट कहेंगे। सेम इज द केस फॉर सीलिया। आपने अपनी बुक में मल्टी सीलिएटेड गेमीट पढ़े हुए हैं फर्न्स के अंदर एडियंटम में, इट मीन प्लांट्स में भी सीलिया हो सकते हैं बट दे आर वेरी रेयर। सीलिया आर यूजुअली एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स बट दे आर यूजुअली फाउंड इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स सीलिएटेड कॉमनली मिल जाते हैं। फेगोसाइटोसिस का हमने डिस्कस किया कि एनिमल सेल में फेगोसाइटोसिस ऑब्जर्व की जा सकती है बट इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। सेम इज द केस ऑफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट तो दोनों तरफ होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन याद रखिएगा दे आर मोर कॉमन इन एनिमल सेल बिकॉज एनिमल सेल्स दे आर मोर एक्टिव मोर एजाइल, बट दे आर लेस कॉमन इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। अगर आप साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस या माइटोसिस मियोसिस में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। साइटोकाइनेसिस के टाइम पे एनिमल सेल्स में आपने पढ़ा हुआ चैप्टर 21 में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है एंड एनिमल्स they have esters in their mitotic apparatus as well, jabki plant cells mein phragmoplast golgi apparatus ki vesicle se banne wale structures unse cytokinesis hoti hai aur plant cells ke andar esters bhi missing hote hain। so ye kuch differences hain jinko aap memorize karke plant cell animal cell ke hawale se discuss kar sakte hain। chloroplast vacuoles can absorb liquids, creates food by photosynthesis, have cell wall made up of cellulose, and animal cells have no cell walls, eat other cells, cannot absorb much liquid because it has no cellulose, can form a variety of shapes, have lysosomes, nucleus, eukaryotic or size, ये common features उन्होंने लिखे हुए इनकी presence के हवाले से। बाकी definite shape की अगर हम बात करें तो animal cells में आपने पढ़ा कि definite shape usually नहीं होती, और जो टर्बियर प्रेशर या इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसको भी प्लांट सेल बेटर वे में विदस्टैंड कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। पास पेपर्स में एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस में से आने वाले क्वेश्चन यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following structure is absent in higher plants and is found in animal cells? Cytoskeleton is found in both animal as well as plant cells, so it could not be the answer. Mitochondria, they are also found in both types of cells, so it is also not the answer. Cytoplasm, the common feature of all types of cells, so ye bhi answer nahi ho sakta. So best option aapke paas banta hai beta, centrioles. They are absent in higher plants, but they are found in animal cells. Same इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है जिसको prokaryote, eukaryote के हवाले से भी कंपेयर किया गया बाद में। 2016 में इसमें डिफरेंस में से क्वेश्चन बना, which one of the following organelle is found in both prokaryotes as well as eukaryotic cell?
अब ये डिफरेंस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से रिलेटेड है, ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रियोल प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर नहीं होते, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मौजूद नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होते। इसका आंसर है बेटा राइबोसोम, लेकिन ये अभी नेक्स्ट भी डिस्कस हो जाएगा बिकॉज इट इज विद रेफरेंस टू प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल इंस्टेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसमें से, अ सेल हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विदाउट अ फ्लैजेलम एंड सेंट्रियोल्स बट इट हैज राइबोसोम्स आरईआर एंड लाइसोसोम्स मोस्ट प्रोबेबली द सेल इज। अब इसको आप देख सकते हैं कि सेल के पास क्या क्या फीचर्स हैं, राइबोसोम्स वो तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी हैं, एनिमल प्लांट सब सेल्स में, राइबोसोम्स यूनिवर्सल ऑर्गेनेल हैं, आरईआर प्लांट एनिमल सेल दोनों में होते हैं, लाइसोसोम्स वायरल आपने भी पढ़ा वो सिर्फ एनिमल सेल्स का फीचर है, और सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स का फीचर है। सो सेंट्रियोल्स की वजह से और लाइसोसोम की वजह से प्लांट सेल आंसर नहीं हो सकता, आरईआर की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल आंसर नहीं हो सकता, और मे बी ए प्लांट और एनिमल सेल ये इसलिए गलत है कि हमें श्योर है कि लाइसोसोम सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स के अंदर यूजुअली एब्सेंट होते हैं। सो प्रेफरेबल ऑप्शन या बेस्ट ऑप्शन गिवन, बेस्ट आंसर जो है वो गिवन ऑप्शन में से होगा आपके पास बीटा, कि इट इज एन एनिमल सेल अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, कि उसमें सेंट्रियोल्स हैं यूजुअली और लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, और फ्लैजेलम का एब्सेंट होना विदाउट अ फ्लैजेलम। अब याद रखिएगा कि फ्लैजेलम यूजुअली प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये एनिमल सेल में भी हर वक्त या हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, तो हम प्रेफरेबली ऑप्शन चूज करेंगे इसमें से बीटा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच शोज स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स। अब इसमें से आपने देखना है कि वो स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, वैक्यूल यस, लार्ज वैक्यूल इज फाउंड इन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट यस, राइबोसोम्स नो, दे फाउंड इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स। 2016 का जो पेपर था यूएचएस का उसका क्वेश्चन है बेटे। क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल यस, माइटोकॉन्ड्रिया नो, ये भी आंसर नहीं है, ये दोनों तरफ मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट यस, माइक्रोट्यूबुल्स आर फाउंड ऑन बोथ साइड्स, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल और वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। अब यहाँ पे वैक्यूल आप लोग जानते हैं एनिमल प्लांट दोनों सेल में है, लेकिन वैक्यूल को हम जनरलाइज कर देते हैं, तो गिवन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है डेल्टा। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, डेल्टा इज द राइट आंसर, कि आपके पास प्लांट्स के अंदर सिर्फ पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स की लिस्ट के लिए डेल्टा मोर सुटेबल आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इट्स अनदर क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 2016। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज ऑब्वियसली द फीचर ऑफ प्लांट सेल्स, नो नीड टू गेट कंफ्यूज, फंजाई में होना जरूरी नहीं है, प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स ही नहीं है, और प्रोटिस्ट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोटोजोआ एल्गी सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगी इन गिवन ऑप्शन में से बीटा प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यूएचएस पेपर 2017। पूछा गया था दैट सेलेक्ट द ऑर्गेनेल व्हिच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। Organelle which is only present in animal cell, centriole, centriole lower plants में है, लेकिन देख लेते हैं हम बाकी options को देखते हुए कि centriole ये सिर्फ animal cells में मिलता है plants में नहीं, microtubule plants में मिल जाएगा animals में भी, ये answer नहीं हो सकता, rough endoplasmic reticulum plants animals दोनों में मिलते हैं, ये answer नहीं हो सकता, और ribosomes ये तो है universal organelle हर किस्म के cell में आपको मिलेगा, so best option गिवन ऑप्शन में से हमारे पास क्या हो सकती है फिर सेंट्रियोल्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स बट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे प्लांट एनिमल के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल को भी आपने देखना है कि वहां पे स्ट्रक्चर का एब्सेंट होना जरूरी है और प्लांट एनिमल सेल दोनों के अंदर उसका प्रेजेंट होना। सेंट्रियोल आंसर इसलिए नहीं हो सकता कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट है,
लेकिन प्लांट सेल्स में नहीं है। अगर ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, लेकिन इसको हम आंसर इसलिए चूज नहीं करते कि पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। बीटा ऑप्शन पे माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स चैप्टर नंबर 6 एफएससी पार्ट 1 की बुक में आपके पास मेंशन है दैट दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो ये कंडीशन तो पूरी होगी। तो क्या ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं? आंसर इज यस, माइक्रोटिब्यूल सही आंसर लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सॉरी, ये भी बीटा लिखा 104 लिख कर लेते हैं। प्लास्टिड्स नो, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें तो वो स्ट्रक्चर्स ढूंढने हैं जो प्लांट्स एनिमल्स दोनों में हो, सो प्लास्टिड भी आंसर नहीं है। सीव ट्यूब्स, वंस अगेन प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ, सो राइट ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन में बनता है बीटा। इसके अलावा सिलियन फेजेला, दे आर एब्सेंट इन पेपर 2017 का था, उसका एक क्वेश्चन है। वायरसेस, बैक्टीरिया, हायर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स। अब इसमें से अभी हमने पढ़ा प्रीवियस टॉपिक में कि सीलिया और फ्लेजेला प्लांट्स में यूजुअली एब्सेंट होते हैं, बट देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स वेयर वी कैन सी सीलिया एंड फ्लेजेला इन प्लांट्स। हायर प्लांट्स में ट्रेक्योफाइट्स में हमारे पास सीलिया, मल्टीसिलिएटेड जो है वो ऑर्गन नजर आते हैं। बैक्टीरिया में फ्लेजेला आपने पढ़े हुए हैं। लोअर एनिमल्स डेफिनेटली बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे पास जहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। तकरीबन सारे एनिमल्स में उनके जो मेल गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं। बट वायरसेस जो कि नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ना तो सिलिया कभी भी नजर आएंगे और ना ही आपको फ्लैजिला। अब अगर ये वायरसेस का ऑप्शन यहाँ पे ना होता तो आप प्लांट्स की तरफ जा सकते थे, लेकिन हमारे पास प्लांट्स की बजाय बेटर ऑप्शन वायरसेस मौजूद है जिसमें ये दोनों स्ट्रक्चर्स कभी भी मौजूद नहीं होते। That's why we are preferring viruses as our answer. Question number 9 पे आ जाइए, 2017 का दोबारा से क्वेश्चन है ये। Which of the following is common organelle in plants as well as animal cells? Peroxisomes, flagella, centrioles और plastids. तो plastid तो आंसर नहीं हो सकता, ये प्लांट और एनिमल का कॉमन organelle बिल्कुल नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में, फ्लैजेला भी यूजुअली एनिमल सेल्स में होते हैं, बट पेरोक्सिसोम्स दे आर फाउंड इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लांट सेल्स में मिलेंगे और एनिमल सेल्स में भी मिल जाएंगे। नंबर 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन डिवाइडिंग प्लांट सेल एज कंपेयर टू एनिमल सेल एक्सेप्ट। ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये वैसे ही एड किया हुआ है इसमें। इसके अलावा है काइनेटोकोर फाइबर्स, ये माइटोटिक एपरेटस का भी आपके साथ जिक्र हुआ शुरू में कि काइनेटोकोर फाइबर्स दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं प्लांट एनिमल सेल्स में, सो ये आप आंसर चूज नहीं करेंगे बिकॉज यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द आंसर दैट द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फाउंड इन डिवाइडिंग प्लांट सेल एज कंपेयर टू एनिमल सेल एक्सेप्ट, कि जो डिवाइडिंग प्लांट सेल में एनिमल सेल की निस्बत ना मिले वो आपने फाइंड आउट करना है। काइनेटोकोर फाइबर तो प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल्स में भी हैं ये। इसी तरह अगर आप बात करें पोलर फाइबर्स की तो ये भी दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं, इसको भी आप क्रॉस कर दें। स्पिंडल फाइबर्स इन दोनों को मिला कहते हैं, ये भी दोनों में मौजूद होते हैं। बट अभी हमने डिस्कस किया था शुरू में जब हम टेबल डिस्कस कर रहे थे कि जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, एस्टर्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स। तो अगर प्लांट और एनिमल सेल की डिवीजन का कंपैरिजन करें तो एस्ट्रल फाइबर्स प्लांट सेल्स में नहीं मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिफरेंसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसमें कुछ मैंने प्रीवियस पेपर्स के ऐड किए क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस के लिए। फर्दर प्लांट और एनिमल सेल के हवाले से आपने ये भी देख लेना बेटे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज आर फाउंड एट द बेस ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, जबकि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं जिनके अगर सिंगल मेम्ब्रेन होती है दे इंक्लूड गोल्जी बॉडीज, आरईआर, एससीआर, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स।
जबकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स में से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ऑल अदर प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस या ऑटोफेगोसोम को भी इंक्लूड किया जाता है। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर ऐड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।